भारत में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए हर कोई अलग अलग तरीके अपना रहा है। इसी क्रम में पर्यटकों का तरीका होता है पहाड़ी क्षेत्रों में घूमकर गर्मी से राहत पाना। हर साल की तरह इस साल भी गर्मियां शुरू होते ही भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आजकल पर्यटकों से गुलजार है। न केवल भारतीय पर्यटक बल्कि विदेशी पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर लिया है। शिमला में पर्यटन कारोबार जो काफी समय से धीमा चल रहा था उसने रफ्तार पकड़ ली है। कोविड के बाद स्पेशली आप फॉरेनर टूरिस्ट सीजन की बात करते हो, यूजुअली ऐसा होता है कि सीजनली काम चलता है। ये चलता है अपना फरवरी से अप्रैल, सितंबर से नवंबर। तो कोविड के बाद हमने स्पेशली, अगर आप 2024 की बात कर रहे हो तो स्पेशली द फॉरेनर टूरिस्ट सीजन वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो इंडियन टूरिस्ट की टूरिज्म की बात करते हो तो थोड़ा सा इलेक्शन का है, दो फेजेस ऑलरेडी खत्म हो गया इंडिया में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी थोड़ा सा मई जून में ज़्यादा बढ़ेगा। अभी बुकिंग्स आनी शुरू हुई हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, बढ़ रहा है वीकेंड पे। हाँ, वीकेंड पे रश बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन एज यूजल जो रहता था कोविड से पहले, जो शिमला का या हिमाचल की बात करते तो काफ़ी सारा टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट रहता था, लेकिन वो वैसा दिख नहीं रहा अभी उतना। तो हम आशा करते हैं, होप करते हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्शन का दौर थोड़ा कम हो जाएगा, फेजी ज़्यादा होगी, तो हम ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट की आने की वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं। जैसे ये दो फेजेस गए हैं, इसके बाद बुकिंग्स आनी शुरू हुई। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा बुकिंग बढ़ी है, बिल्कुल बुकिंग बढ़नी शुरू हुई है, तो हम आशा कर सकते हैं कि ये सीजन अच्छा रहेगा। शिमला में नियमित रूप से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पर्यटकों के इस तरह लगातार पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल रहा है।